तो कंपनी में बहुत बड़ा रुआब है। कंपनी से आप नहीं, आपसे कंपनी है। सीमा शादी के बाद बंगलोर चली जाएगी। अरे बाप रे, इतना दूर? का करे बेटा, दूर पास के चक्कर में कितना दिन तक बिटिया को बैठा के घर में रखेंगे? वो सर्कस वाला अपन हाथी ले लिया था सर्कस में, वो वापस किया कि नहीं किया? हाथी? अरे नहीं किया, फोन लगाइए उसको भाई। अरे एक भोले भाले इंसान को फंसा के हम अपन धर्म नहीं भ्रष्ट करना चाहते। जय श्री कृष्णा। शंका आ रहा था, मेरा मतलब लघु शंका। भूषण जी बोले थे इधर ही है शौचालय। आवा आवा बबुआ, वे सामने हो टॉयलेट, आवा जा। भैया जी, एक बात हम नहीं ना पूछ पाए, एक का हो रहा है? मेहमान को बैठा के आप दोनों का गुप्तगु करने चले गए थे लेम चूस चूस के? हाँ, अरे वो का बात है कि हम पंडित जी से लगन दशा समझ रहे थे, समझे? अच्छा हाँ। लगन दशा? आइए पंडित जी बैठिए, काहे खड़े हैं, आइए महाराज बैठ जाइए। चौधरी साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ हाँ बोलिए, खुल के बोलिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप खानदानी आदमी हैं, लेकिन हम भी अपनी बिटिया को सोने के पालने में पाले हैं। हम आपकी शान में कोई कमी नहीं आने देंगे, बस आप इस रिश्ते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दें। जरा ठहरिए बाबू जी, इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी। चौधरी साहब जी, हमने आपका घर द्वार तो देख ही लिया और आप लोग से मुलाकात भी हो गई, लेकिन फिर भी हम अपने घर वालों से थोड़ा राय मशविरा कर लेते हैं, फिर आपको हम खबर करेंगे। ऐसे कैसे आप जाता? नहीं नहीं, चौधरी साहब हैं तो कुछ नाश्ता पानी करने जाते हैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्षमा चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। चल बेटा। वाह वाह पंडित जी वाह, क्या बात है। जब मंदिर के लिए चंदा उंदा का जरूरत पड़ता है तो लंबा लिस्ट बना के चले आते हैं हमारे पास। 501 रुपया से कम दक्षिणा नहीं चाहिए इनको, समझे? कुर्ता का कपड़ा, कोरा धोती, कंबल, चद्दर, लंद फंद, है साल में एक बार में दूसरी बार चाहिए आपको? ये सब हराम का लेने में आपको तने भी शर्म नहीं आता है? और थोड़ा सा अगर हमारे भलाई के खातिर आप झूठ बोल दिए होते तो आपका धन नष्ट हो रहा था। अब आइएगा मुंह उठा के, कुछ भी मांगने आइएगा, देखते हैं। पंडित जी प्रसाद तो पा लीजिए। पंडित जी खबरदार खबरदार, तुम आज के बाद अगर इनको एक गिलास पंडियों के लिए पूछा तो जाओ यहां से। सलमान, इनको तो हमारा घर का पानी पीना भी हराम है। धन के ठेकेदार जो ठहरे। अरे बाउन, हमारा घर का पानी पिएंगे, अंजल ग्रहण करेंगे, इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? अरे तो बैठल कहे के लिए है महाराज, उठिए ना,
और जाइए यहां से, मैं तो दुड़ा के भगा देंगे, समझे कि नहीं? उठिए। कसम गंगा मैया की, जौन आप हमरा अपमान किए हैं ओकर बदला एक दिन हम सू समेत नहीं लिए तो हमरा नाम भी पंडित कृपा शंकर तिवारी नहीं। मधुबनी जिला में एक जगह है बनगावा, वहाँ हर साल मेला लगता है। वहाँ मेले का मुख्य आकर्षण होता है दूल्हे का खरीद बिक्री, दूल्हा मंडी। दूल्हा मंडी? जी हाँ, वही जा लड़की वाले लोग दूर दूर से अपने लड़की के लिए मनपसंद दूल्हा खोजने आते हैं। भाग न बाँचे को। प्रणाम बड़ा बाबू, प्रणाम प्रणाम। अरे महाराज, गड़िया को बाप को दोनों ठेलते हुए कहाँ ले जा रहे हैं जी? अरे लग तो रहा है नया है, खरीदता ही खराब हो गया। अरे नहीं महाराज, ये तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिए हैं। दोनों बापू को चलाने नहीं आता है इसलिए इसको ढकेल के ही घर ले जा रहे हैं। का इन्वेस्टमेंट? हाँ, मोटरसाइकिल। ए महाराज देखिए बड़ा बाबू, हमको कुछ समझ में नहीं आया, जरा खुल के बताइए तो। मैं महाराज इसमें समझाना क्या है, ये तो सीधा साधा गणित है। अगर दुआरी पर दुपहिया खड़ा रहेगा तो लड़की वाला दहेज में साइकिल का बात नहीं करेगा, लजाते सरवाते चार चक्रे गुरु बात करेगा। अरे बड़ा बाबू वाह, क्या बात है बड़ा बाबू, आप तो महाराज हमसे चार कदम आगे निकल गए हैं। अरे महाराज, हम तो किराया पे ट्रैक्टर ही मंगवा के अपन दुआरी पे रखवाते थे, और आप तो फटफटिया ही खरीद लिए। अब बुझाया बड़ा बाबू, अब बुझाया हमको कि आप बड़ा बाबू कहा है, आपका चरणवा कहा है। लाइए जरा धुरिया लगा के हम अपना ज्ञान का भंडार को बढ़ा लूं। अरे नहीं महाराज, अभी तो मेरे पैर गंदे हैं, बाद में छू लीजिएगा आप। अरे महाराज, अरे हाँ भाग्य कहीं बात बना कि नहीं? अब का कहे बड़ा बाबू, अब आपसे का छुपा है। अब देखिए ना बड़ा बाबू, इतना जगह उठा पटक कर रहा हूँ लेकिन कौनो पार्टी पकड़ा ही नहीं रहा है। लड़की वाला से लेन देन की बात शुरू करता नहीं हूँ कि उनको 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। अब देखिए, लड़का के पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपया खर्च किया हूँ भाई, और जब रिटर्न का टाइम आया तो ठेंगा। अब रिटर्न का हक तो बनता है ना? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसा जमाना आ गया भाई। अरे बड़ा बाबू, अब बुरा ना माने तो मुफ्त में सलाह दे। अरे बड़ा बाबू खुल के बोलिए। मधुबनी जिला में एक जगह है बनगावा, वहाँ हर साल मेला लगता है। मेलवा का नाम है स्वराठ मेला। वहाँ मेले का मुख्य आकर्षण होता है दूल्हे का खरीद बिक्री, दूल्हा मंडी। दूल्हा मंडी? जी हाँ, वही जा लड़की वाले लोग दूर दूर से अपने लड़की के लिए मनपसंद दूल्हा खोजने आते हैं। अगर पसंद आ गया तो पंडित लोग जल्दी से कुंडली सुंडली भी मिलवा देते हैं। एकर मतलब बड़ा बाबू, वहाँ
एक से बढ़ के एक मालदार माटी आता होगा। यही से हम कह रहे हैं कि आप भी वहां जाइए, इस बार हम भी अपना सुपुत्र को उभे ले जा रहे हैं। ये बड़ा बात बताइए ना महाराज, मेलवा कब से शुरू होता है? अगली सोमवार से। अगली सोमवार। प्रणाम बड़ा बाबू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वाह बड़ा बाबू वाह। अरे महाराज, फटफटिया तो आप ही ने हैं, लेकिन चबिया आप हमको दे के चले गए। दूल्हा मंडी। बड़ा बाबू, हम दूल्हा मंडी में जरूर जाऊंगा। कहा पता कौन मालदार मोटा सामी मिल जाए। तनी टाइट करके बांधा भौजी, तो घड़ी घड़ी खुल जाला। अच्छा ठीक बा। अब ये भैलू रह गया हमार तोहर बेटा के नजर में। 5 मिनट पहले उसको मिस कॉल दिया हूं और अभी तक वो हमको फोन नहीं किया। अरे हेलो के बाबूआ। हाँ प्रणाम बाबू जी। अरे खुश रह ए हमर से। हुँ, हम बाथरूम में थे ना। अरे कौनो बात नहीं बेटा, 2 घंटा औरो बात फोन करता तो चलता। अरे हम तो बस ऐसे ही फोन किए थे, का समाचार है? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ अरे बेटा, हम तो एकदम में ठीक नहीं हूँ। कहे का हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत उबियत का कौनो परेशानी नहीं है बेटा, अब उम्र हो गया है ना, अब ये बुढ़ापा में हम दोनों प्राणी का देखभाल करने के लिए केहू चाहिए कि नहीं? कहे हरिया काम छोड़ के भाग गया का? नहीं, वो कहाँ जाएगा, नौकर चाकर तो सेवा टहल पैसा के लिए करता है ना, और जे काम जे सेवा पैसा के लिए किया जाए ओकरा में सेवा भाव कहाँ रहता है बेटा। अरे हम तो तोहरे होखे वाली मेहरारू की बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, तू ब्याह करके अपन मेहरारू के ला के हम दोनों के पास छोड़ जाते तो वही हम लोगों का नीमन से सेवा टहल करती। सो तो है। ऐसा बात है बेटा, तू झट से 8 दिन का छुट्टी लेके आ जाओ ना, हम तुम्हारा झटपट कहीं रिश्ता तय कर दूंगा। सनिचर तौर को आने से काम नहीं चलेगा ना, वो 8-10 दिन का छुट्टी मिलना तनी मुश्किल लग रहा है। अरे कौन सा ऐसा लड़की वाला बैठा है हमारा इंतजार में, जाओते चटमंगनी अपट ब्याह हो जाएगा। अरे बेटा इसकी चिंता तुम मत करो, हम सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ अरे सुना है कि मिथिला में कोई दुल्हा लोगों का मेला लगता है, उसमें एक से एक पार्टी लोग आता है अपना लड़की के लिए लड़का चुनने के लिए। बेटा हमको पूरा भरोसा है कि हम उसमें तुम्हारा मामला एकदम फिट कर दूंगा, समझे कि नहीं? बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। और सुनो बेटा, ये तनख्वाह मिले में इस बार देरी काहे हो रहा है, नहीं मिला है का? अरे वो 2-4 दिन में मिल जाता है तो हम भेज देते हैं बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जैसे मिल जाएगा ना तो फटाक से मनी ऑर्डर भेज देना। अरे बेटा वो का है ना कि कमासूद बेटा के बाप को सब लोग पूछता है ना। अरे ठीक है बाबूजी, हम भेज देंगे। तब हम रखता हूँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। अरे सुनती हो, आ रहा है तुम्हारा सुपुत्र, देखना अब हम उसको लेके वो दुल्हा का मेला में जरूर जाऊंगा। खग जाने खगे की भाषा, अब तो तुम समझ ही गए हो ना कि हम तुमको कौन सा भाषा समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा, हम जौन मकसद के लिए तुमको यहां बुलवाया हूं, अगर उसमें हम कामयाब हो गया ना
तब हम समझूंगा कि तुमको पैदा करके हमने बहुत महान काम किया है। आग न बाचे को। कहाँ जाता है उधर चढ़ावे? अरे बरगदवा के लगे जे शिवलिंग बानू दादी, वही जे जाइब संग दादी। अरे बुद्धू, वो पनार वाले भोला बाबा के मंदिर में चल जाना, बड़ा सिद्ध मंदिर बा। ऐसन बुझाला कि साक्षात भोला बाबा धरती पर विराजल बाड़े। जा। अरे ना दादी, पनार वाला मंदिर के रास्ते में खूब लफंगा रहले सन, राह चलत लड़की के छेड़ल ओकनी के खून में बा। अरे लेकिन हम तो बहुत बार वो मंदिर गए बानी, हमके तो आज तक कोनो लफंगा कबो न छेड़लस। दादी, ए दादी। हाँ। रहुआ ही बात से खुश बानी की दुखी। अरे मारो बदमाश लफंगा। ए कबो कबो किताब कॉपियन से निकल के हिनन के संगे मंदिर चल जायल करा, हिनन का भी पूजा हो जाए। तुहु बस हाँ बाबा से पूछ लिया का? कि तुहार ऑफिसर बने का कब जोग बा? और तू इहो पूछ लिया भोला बाबा से कि तुहार भी अब कंटरिया साथे कब होई? दादी समझा दी नक भीमली के, तो मार बैठ बैठ रहा हम। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, अब आगे ना चिढ़ाई, अब जा इनन के संगे। चला दादी, हमारी किताब उठा के रख दी अंदर। कल कल तरल नहीं जाए। खग जाने खगई की भाषा, अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि हम तुमको कौन सा भाषा समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा, हम जौन मकसद के लिए तुमको यहां बुलवाया हूं, अगर उसमें हम कामयाब हो गया ना, तब हम समझूंगा कि तुमको पैदा करके हमने बहुत महान